सो हे गाइस, मेरा नाम शमशाद अली है और आप देख रहे हैं शमशाद अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग ऐप का जो पासवर्ड है भूल गए हो या फिर आपने एक्टिवेट करना है यू मोबाइल ऐप, तो आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप यू मोबाइल ऐप को एक्टिवेट कर सकते हो जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग ऐप है। और इसके साथ ही अगर मान लीजिए आपने लॉग इन कर लिया है या फिर आईडी बना लिया है और उसका पासवर्ड भूल चुके हो या फिर ये बार बार बता रहा है कि पासवर्ड इनकरेक्ट है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, वीडियो को पूरे स्टार्ट से लेकर इन तक देखना। आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप कैसे आप अपने यू मोबाइल ऐप को एक्टिवेट कर सकते हो या फिर पासवर्ड भूल गए हो तो उसे आप कैसे रिकवर कर सकते हो। तो चलिए आपको समय न गवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। और हां, इसके लिए आपने दो चीज एक्यूरेट बिल्कुल अच्छे से रेडी रखिएगा। आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके फोन में लगा होना चाहिए, दूसरी बात आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए। इन दो तरीकों से आप बहुत ही आसानी में अपना यू मोबाइल ऐप एक्टिवेट कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो उसे भी आप रिकवर कर सकते हो। तो चलिए ले चलते हैं मोबाइल की। सो फ्रेंड, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना डेबिट कार्ड या फिर बोल सकते हैं एटीएम कार्ड रेडी रखना है और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपके फ़ोन में लगा होना चाहिए। तो चलिए, ये दोनों चीज़ रेडी रख लेने के बाद आपने क्या करना है, आपको अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का यू मोबाइल जो आपके ऐप देखने को मिल रहा है तो सिंपली आपने इसे ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होके आएगा आपकी स्क्रीन के सामने। आप पासवर्ड डाल के परेशान हो चुके हो, आपका गलत फॉरगेट पासवर्ड बता रहा, तो यहाँ पे आप गलत पासवर्ड बता रहा तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको फॉरगेट पिन का, तो सिंपली आपने फॉरगेट पिन पे क्लिक कर लेना। आप जैसे ही फॉरगेट पिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे आई हैव डेबिट कार्ड, आई हैव इंटरनेट बैंकिंग, आई हैव ब्रांच जनरेटेड टोकन। तो मेरे पास ऑलरेडी डेबिट कार्ड है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो आपने डेबिट कार्ड का यहाँ पे इंटर डेबिट कार्ड नंबर, तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है और आप अपना डेबिट कार्ड नंबर रेडी रख लीजिएगा। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी डेबिट कार्ड है तो मैं अपना डेबिट कार्ड का नंबर जो भी है मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेबिट कार्ड नंबर आप टाइप करते हो बहुत केयरफुली टाइप करिएगा, एक भी डिजिट आप गलत ना टाइप कीजिएगा, क्योंकि एक भी डिजिट अगर आप गलत टाइप करेंगे फिर आपको ये बता देगा कि जो आपने टाइप किया हुआ है वो इनकरेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपको मंथ डालना है जो कि वैलिड अप टू, मतलब एक्सपायरी मंथ जो भी है आपका, यहाँ पे आपने डेबिट कार्ड पे देख लीजिएगा जो भी होगा आपने टाइप कर देना। उसके बाद आपका एटीएम पिन जो भी होगा आपने अपना एटीएम पिन यहाँ पे टाइप कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ 10+2। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन होगा, हो सकता है आपका क्वेश्चन अलग हो, बिगेस्ट वैल्यू हो, स्मॉलेस्ट वैल्यू हो, तो वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे 10+2 का कितना मतलब होता है वो पूछ रहा है, तो सिंपली मेरा 12 होता है, तो सिंपली मैंने 12 टाइप करके सिंपली सबमिट पर क्लिक कर दिया। जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको सेट लॉगिन पिन का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपने एक पिन सेट कर लेना है जो भी आपको पिन सही लगे। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे मुझे ये पिन सही है तो मैंने ये पिन अपना सेट कर लिया। जैसे कि ये देखिए, मैं फिर से इसको रीट्राई कर देता हूँ, मतलब कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म कर लेने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन पिन हैज़ बीन सेट सक्सेसफुली, अब आपका जो लॉगिन पिन है वो सक्सेसफुली सेट कर दिया गया है। अब आप प्रोसीड पे क्लिक करके, अब जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे अब आपने यही वही वाला पिन यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे कि चलिए मैं आपको यहाँ पे टाइप करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपने वो पिन टाइप किया, पिन टाइप करते ही आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरीके से ओपन होके आ चुका है, जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने अब चलना स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप बहुत ही आसानी वे में आप अपने यू मोबाइल ऐप का मोबाइल बैंकिंग ऐप जो कि यू मोबाइल ऐप है उसे आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हो या फिर पासवर्ड भूल गए हो तो कैसे पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अपने दोस्त अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।